वहीं छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में 10 पर जीत हासिल करने पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 1962 के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है। यह लोकसभा की जीत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश की जनता का भरोसा है और विश्वास है कि उन्हें फिर से चुना गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बड़े नेताओं को भी चुनाव में उतारा, फिर भी उन्हें बड़ी हार मिली। कोरबा में हार को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि कोरबा में हमारी कोई बड़ी हार नहीं हुई है, बड़ी हार तो चुनाव में कांग्रेस की हुई है। 1962 के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है। ये लोकसभा की जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत है और बहुत बड़ी जीत है। 10 साल सरकार में रहने के बाद तीसरी बार बहुमत के साथ सरकार में आना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो 1962 के बाद हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने आपसे यही कहा कि कांग्रेस ने अपने सभी बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था और सबको हार मिली है, तो ये कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में बहुत बुरी हालत हुई है, बहुत बड़ी हार हुई है।